और बस्तर में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान हुआ है, लेकिन ये मेहरबानी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तस्वीरें सुकमा की हैं। यहाँ गोदावरी और शबरी नदी का बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है। NH-30 पर जाम लगा है। रबोर पुल और बिरला पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, इस वजह से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं शबरी नदी के किनारे रह रहे लोगों को घर छोड़ना पड़ गया है। सुकमा की एक और तस्वीर देखिए। जगरगुंडा के मल्लेबाग में बारिश के बाद नाला उफान पर है, लेकिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग नाले को पार कर रहे हैं। इस इलाके में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। उधर दंतेवाड़ा में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद बचेली मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने की वजह से बचेली और दंतेवाड़ा के बीच आवाजाही काफी देर तक बंद रही। जाम में घंटों लोग परेशान होते दिखे। तस्वीरें बीजापुर की हैं। भारी बारिश के बाद भैरमगढ़ बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गया। वहीं इंद्रावती, मिंगाचल, बासागुड़ा, ताल पेरू नदी उफान पर है। यहाँ गंगालूर चेरपाल मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। कांकेर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दुध नदी, खंडी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। खंडी नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से संबलपुर चवेला मार्ग बंद हो गया है। तस्वीरें कोंडा गांव की हैं। यहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। नारंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जोंधरा पदर और बमनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लिहाजा एहतियातन पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई रास्ते बंद हैं, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर रायसेन जिला मुख्यालय पर साल की पहली तेज बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सांची विदिशा मार्ग स्थित महामाया चौक पर पानी भर गया और सड़क नदी की तरह नजर आने लगी। जिला मुख्यालय पर बारिश कुछ लोगों के लिए खुशी तो कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। मौके से जायजा लेकर स्थानीय लोगों सहित यातायात थाना प्रभारी लता मालवीय से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। रायसेन में कुछ घंटों की बारिश ने यहां पर जलभराव की स्थिति हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से सांची मार्ग है और महामाया चौक के पास का ये दृश्य है, जिस तरीके से यहाँ पर बारिश के समय में यहाँ पर 2 फीट से ज्यादा ऊपर यहाँ पर पानी आ जाता है। और इस बार की बारिश जो है अभी पहली बार यहाँ पर इतनी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते यहाँ पर बारिश के चलते यहाँ पर पानी भर गया। क्या कहना है यहाँ पर पानी भर गया है? पानी भर गया है यहाँ पे, दुकानों में बहुत बहुत पानी भरा रहा है। यहाँ की यहाँ से पूरी लाइन गई है नगर पालिका के नीचे, जो है पूरी दुकान में पानी भरा गया। लोगों का खूब नुकसान हुआ है। बारिश में पानी गिरता है रोज, यहाँ जब भी पानी गिरता है यहाँ पे पूरा पानी भरा जाता है। लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर पुलिस यातायात थाना भी यहाँ पर है और थाना प्रभारी यहाँ पर मैडम भी पहुँच चुकी हैं। जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर परेशानी आती है बारिश में? यहाँ पानी भर जाता है तो परेशानी तो आती है, डायवर्शन करना पड़ता है दोनों साइड से। पानी तो आप देख ही रहे भरा हुआ, समस्या होती है। पानी प्रॉपर निकल नहीं रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर यातायात थाना प्रभारी यहाँ पर बोल रहे हैं कि पानी से काफी दिक्कत यहाँ पर परेशानी होती है। तो बड़ा सवाल है कि जिस तरीके बारिश के पहले तमाम यहाँ पर दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन रायसेन में अगर बात की जाए सांची मार्ग पर हर साल यहाँ पर बारिश की समस्या आती है। इस साल भी यहाँ पर पानी है जो भरता दिखाई दे रहा है, कम से कम 2 फीट तक यहाँ पर जो है बारिश का पानी यहाँ पर भर रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानों में भी यहाँ पर पानी जा रहा है। और अब तस्वीरें बारिश की विदिशा और बालाघाट से जुड़ी हुई। विदिशा में जहां कुछ ही घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया, तो बारिश के दौरान नगर पालिका की तैयारियों की पोल भी खुल गई। निचले इलाकों में पानी भर गया, साथ ही सड़कों और दुकानों में पानी भरा हुआ नजर आया। तो वहीं बालाघाट सिवनी मार्ग पर कंजई के पास नाला उफान पर आ गया और आवागमन प्रभावित हो गया। पुल से लगभग 4 फीट ऊपर बह रहे पानी के कारण पुल के दोनों ओर
वाहनों की कतार लग गई। कोई पुल पार करने की कोशिश ना करे इसके लिए लालबर्रा थाना की ओर से पुलिस बल तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ और बस्तर की शान कहलाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बन रही है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता इंद्रावती नदी का पानी लोगों को रोमांचित कर रहा है। इसे देखने दूर दूर से पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ये विहंगम दृश्य इंद्रावती नदी पर बने जलप्रपात का जगदलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें पर्यटकों को खास आकर्षित करती। मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट इस समय बारिश में अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह प्रपात देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत का नजारा है। घोड़े के नाल की आकार की ओर की तरह चित्रकूट वाटरफॉल गिरता है और बारिश के समय में, मानसून के समय में, और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर दराज से कई पर्यटक पहुँचे हैं चित्रकूट को देखने। मैम, कहाँ से आए और कैसा नज़ारा मिला? रायपुर से आए हैं और बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत सुंदर जगह है और जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। छत्तीसगढ़ की शान है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की शान है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर है बस्तर जो है। भुवनेश्वर। क्या नाम है आपका? उत्तर रंजन जोशी। कहाँ से आए? भुवनेश्वर। कैसे आए? बाइक से आए। कितने लोग आए? हम 5 जन आए। तो इसी को देखने आए? हाँ, बस इसी को ही देखने आए थे। क्या सुना था? ये सुना था तो बहुत अच्छा वाटरफॉल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, वोटिंग करता है। अभी तो नहीं हो रहा है मौसम की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, पर जितना सुने थे उससे ज़्यादा अच्छा है। इसी को देखने आए थे? जी जी, देखने ही आए थे। रायपुर। रायपुर से? पहली बार आए? नहीं। कैसा रहा चित्रकूट वाटरफॉल, कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली ससुराल है यहीं पे, तो मैं फ्रिक्वेंटली आते रहता हूं। अच्छा, ये वैसे वाटरफॉल कहीं और? नहीं, इससे मतलब MP भी घूम, मतलब भेड़ाघाट से भी मेरे को बहुत सुंदर लगता है। भेड़ाघाट से भी सुंदर है जी। हर साल आते हैं आप? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा बोलते हैं तो वाकई में ये है वैसा। तो बिल्कुल, यहाँ के जो आने वाले पर्यटक है इसे नियाग्रा भी कहते हैं और यहाँ आने के बाद एक सुकून का पल भी गुजार रहे हैं और फिर परिवार के साथ सेल्फी और फोटो भी ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर वाटरफॉल के नज़दीक सेल्फी लेने के लिए मनाही की गई है, चूँकि खतरा कभी बढ़ जाता है तो पर्यटकों को दूर से ही चित्रकूट का जो नज़ारा है देख रहे हैं। और बड़ी खबर है, रायपुर में आयुष्मान कार्ड को लेकर कार्रवाई की गई है। आयुष्मान कार्ड के गलत इस्तेमाल पर एक्शन हुआ है। 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 11 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। नियमों को नहीं मानने के आरोप हैं इन अस्पतालों पर। तो आपको बता दें कि 48 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन हुआ, जिनमें 11 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ, आकाश, क्या नियमितताएं थी जिसके बाद एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, जो निजी अस्पताल है उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप जो है वो लगते रहे हैं, जिसमें गर्भाशय के गलत जो है ऑपरेशन इसके साथ है, अवैधानिक रूप से गलत तरीके से शासकीय पैसे को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत निकाला जाना, मरीजों की शिकायत कि उन्हें इलाज नहीं मिलना, आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अधिक पैसे लेना, इसके साथ ही जबरिया ऑपरेशन कर देना, इस तरीके से गंभीर आरोप जो है इन 48 अस्पतालों के विरुद्ध लगा हुआ था। और इसकी जांच की गई, जांच में ये पुष्टि हुआ कि ये निजी अस्पताल जो है मरीजों को बरगला रहे थे, ठग रहे थे, इसको लेकर कार्रवाई हुई। प्रदेश के 48 निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इसमें 11 निजी अस्पतालों को जुर्माना दिया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई है लोगों के दृष्टि से भी, क्योंकि राज्य सरकार लगातार आयुष्मान कार्ड से लोगों को इलाज देने के लिए जो योजना बनाई है उसका निजी अस्पताल एक तरीके से गलत उपयोग करते हैं, दुगुना पैसा लेना, और इस तरीके से तमाम शिकायत है जिसको लेकर कड़ाई सरकार ने दिखाई और साफ निर्देश दिए हैं कि सही इलाज करें और आयुष्मान कार्ड का लाभ जो है वो मरीजों को दें। जी बिल्कुल, यानी मिस यूज किया जा रहा था इस कार्ड का और इसी के बाद ये एक्शन हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर ग्वालियर में एयरपोर्ट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। 145 साल पुराने ग्वालियर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। करीब 462 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, लेकिन ग्वालियर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने स्टेशन के कामों का निरीक्षण किया। सांसद ने रेलवे और कंपनी के लोगों की जमकर उन्हें फटकार भी लगाई।
मेरे द्वारा भी पहला निरीक्षण रेलवे स्टेशन का किया गया है और साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं और भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे रेलवे के अधिकारी हैं, एजेंसी से संबंधित लोग हैं और बारीकी से जब निरीक्षण किया है, यहाँ स्लो वर्क दिखा है, वहाँ तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए और प्रमुख रूप से पूरे प्रोजेक्ट में गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए, समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो, इस बात के लिए सभी को निर्देश दिए गए। उधर सतना के नागौर सिविल हॉस्पिटल का राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने औचक निरीक्षण किया और बिल्डिंग देख उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जिम्मेदारों को डांट लगाई और कहा कि आधे अधूरे अस्पताल को लोकार्पण करने और फीता काटने की क्या जल्दबाजी थी। मामला सतना जिले के नागौर में 10 करोड़ की लागत से बने 50 बिस्तरों के सिविल अस्पताल का है। बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह ने कुछ दिन पूर्व आनन फानन में अस्पताल का लोकार्पण किया था। राज्य मंत्री ने आधे अधूरे बने अस्पताल के लोकार्पण पर सवाल खड़े करते हुए अस्पताल के जिम्मेदार बीएमओ को खरी खोटी भी सुनाई। बीएमओ ने भी स्वीकार किया कि बिल्डिंग को स्वास्थ्य विभाग ने हैंडओवर कर लिया है लेकिन कुछ काम अभी भी अधूरे हैं। फिटिंग नहीं है और टॉयलेटरी की एसेसरीज नहीं फिटिंग है, नल फिटिंग नहीं है, अभी जो फायर का है वो काम चल रहा है, बाकी बिल्डिंग इंफ्रा बस खड़ा कर दिया है, खिड़कियों में अभी खिड़कियां ही नहीं हैं। तो इतनी जल्दी क्यों थी इनॉग्रेशन की? अब ये तो वही बताएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि इतनी जल्दी क्या थी कि अधूरे काम में उनको इनॉग्रेशन चल रहा था, उसके हिसाब से चेंज करवा रहे हैं। पंखे लाइट तो हैं, पंखे लाइट सब चालू कंडीशन में है और सब टेस्टिंग वगैरह जहाँ भी ज़रूरत है उसके हिसाब से, जैसे कुछ हमको एक्सरे वहाँ शिफ्ट करवाना है तो कुछ हमको एक्स्ट्रा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बीच में पार्टीशन कराना पड़ेगा, कुछ एल्युमिनियम सेक्शन कराना पड़ेगा, वो हमने ठेकेदार को बोल रखा है तो वो उसको करा करके हमको कम्प्लीट देंगे। और धार महू लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ उनके चुनावी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में जानकारियां छिपाने के आरोप को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद सावित्री ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। कांग्रेस प्रत्याशी रहे राधेश्याम मोवेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने चुनाव के दौरान आय संपत्ति और आश्रितों की जानकारियां शपथ पत्र में छिपाई हैं और इसी को लेकर वे हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि चुनाव में हार के कारण राधेश्याम मोवेल वो बौखला गए हैं। बातें छिपाई है, उनसे मुख्य बात यह थी कि उन्होंने नोटिस प्रमाण पत्र और अपनी आय कम बताई और उनके जो आश्रित है उनके बारे में विवरण स्पष्ट नहीं दिया, इसकी वजह से सरकार दबाव में रहते हुए उनका फार्म निरस्त नहीं कर पाई। आज मैंने माननीय न्यायालय का शरण लेकर एक पिटीशन दायर की है जिसमें निश्चित तौर पर कि ये जो है इनकी संसदीय शून्य घोषित हो जाए। आय से ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पूरा आय के संबंध में पूरी जानकारी देते हैं, नहीं तो उसी समय ही उसको नोटिस दिया जाता है। अब कोई करे जीत के बाद आदमी का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि 2,28,628 वोट से मैं जीती हूँ। उनका ये भी कहना है कि आपने परिवार था उनके खिलाफ भी उनके मामले में भी आपने पूरी जानकारी नहीं बताई शपथ पत्र में। मेरे दो बच्चे हैं, मैं वही बताऊंगी कि 10-12 बताऊंगी, दो बच्चे बताए। और जांजगीर चांपा में 15 से ज्यादा केहरा समाज के 15 परिवार बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं जिससे इन परिवारों के घरों में शादी तक रोकनी पड़ी है। ये समाज महासभा का आयोजन करता है जिसमें समाज की समस्याओं को लेकर सुनवाई होती है जिसके लिए चंदा लिया जाता है। इन परिवारों ने चंदा नहीं दिया था जिसके बाद इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इन परिवारों ने एसपी से कहार समाज के अध्यक्ष मुकेश कुमार और महासचिव हरिहर आदित्य देवव्रत आदित्य की शिकायत की और मामले में कार्रवाई की मांग की। खबर कवर्धा से जहां के गांव में स्वच्छ भारत के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है, बाकायदा इसके लिए रसीद भी दी जा रही है। जिन लोगों ने पैसा दे दिया है उनके घरों पर सिल्वर बिल्ला लगाया जा रहा है, यहां लोग लाइन में लगकर सिल्वर बिल्ला ले रहे हैं। वहीं मामले की शिकायत एसडीएम से ग्रामीणों ने की
जिसको लेकर एसडीएम ने मामले की जांच कराने की बात कही। खबर धमतरी से, जहां गुंडागर्दी और चाकूबाजी करने वाले बदमाशों की अब क्लास लगाई गई। दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया, बाकी आरोपियों को कड़ी चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी आदतन बदमाश हैं और पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। खबर जशपुर से, जहां संदिग्ध हालत में एक शख्स का शव मिला। दो दीवारों के बीच फांसी के फंदे पर शव झूल रहा था। यह शख्स इलाज के लिए रिश्तेदार के यहां रुका हुआ था। दर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पत्थल गांव थाने के अंबेडकर नगर का मामला है। उधर इंदौर में आईआईटी कैंपस के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया। सिमरोल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से मिला है, जिसमें 15 अगस्त के दिन स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूल ने सिमरोल थाना में शिकायत की। और